Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an I-Fight. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. IFA. जिसका मुख्य उद्देश्य आगरा जिले में युवा जिला अध्यक्ष पद और महानगर अध्यक्ष पद काफी समय से रिक्त पड़ा हुआ था और केशव चार और भवर सिंह और मांझी की मेहनत को देखते हुए इन दोनों पदों पे आज केशव को और भवर सिंह वर्मा जी को बिठाया गया है। केशव चाहर जी को युवा जिलाध्यक्ष बनाया गया है और भवर सिंह वर्मा जी को महानगर अध्यक्ष। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे हमारी सेना, हमारी आर्मी हमेशा से, हमारे सैनिक हमेशा से देश की रक्षा करते आए, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा देखा इस सरकार में सेना के काम करने के बाद भी उसका श्रेय आज प्रधानमंत्री लेता। देखिए हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी जगह जगह जाके नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कैराना चुनाव में जो वोटर अगर राष्ट्रीय लोकदल से छटक भी गया था वो वापस आया और सपा बसपा रालोद के गठबंधन में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को वहां से चुनाव जिताया। और वही अपेक्षा मेरी मथुरा, मुजफ्फरनगर और बागपत में भी है। उसी ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय लोकदल का और सपा और बसपा का बेस वोटर साथ जुड़ेगा और जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताने का काम करेगा। हमारे अध्यक्ष जी द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए आगरा का युवा जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। श्री केशव चार जी को युवा का जिलाध्यक्ष और श्री भंवर सिंह वर्मा जी को महानगर का अध्यक्ष मनोनीत किया है। उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनसे आशा करते हैं कि आज हम उनसे आशा करते हैं कि वो गठबंधन के प्रत्याशी के साथ मिलकर काम करेंगे और उन्हें जिताने का पूरा प्रयास करेंगे और उन्हें जिता के रहेंगे। पूरा माहौल और वातावरण बना हुआ है, इसमें होली का त्यौहार है, नजदीक है, इधर आलू और सरसों का भी वो चल रहा है। और रहा जो हमारे नेता ने आदेश दिया दिल्ली से, तो निश्चित सी बात है रालोद का वोटर गठबंधन को जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। मोदी जी आक्रमण नहीं हो, मोदी जी बौखला रहे, आक्रमण क्या है, उनका कारण क्या है? उन्हें गठबंधन की जो शक्ति है जो उभर के आई है उससे वो बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी भी हैं। एक माहौल और वातावरण बन चुका है पूरे प्रदेश में और मोदी जी इसको जज कर चुके हैं, सर्वे करा चुके हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आदरणीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी के निर्देश पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा लोकदल के अध्यक्ष बड़े भाई रोहित प्रताप जी के द्वारा मुझे युवा राष्ट्रीय लोकदल आगरा के जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, जिसको मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। पुराने कर्मठ कार्यकर्ता बहुत ही जुझारू भाई केशव चाहर को युवा लोकदल का जिला अध्यक्ष बनाया है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, और भंवर सिंह वर्मा जी को आगरा महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। ये सांगठनिक प्रक्रिया है और जहां तक इलेक्शन की बात है तो मेरा ये मानना है कि हमारा कार्यकर्ता और देश की जनता पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ गई है और इलेक्शन के अलावा अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए हमारी लड़ाई झूठ के खिलाफ है और जो लोग बांटने का काम करते हैं उनके खिलाफ है, और जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं को सैनिकों की शहादत ली और उसको इस तरह बनाया जो आज तक के देश के इतिहास में कभी तक किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह, किसी पार्टी ने इस तरह नहीं बनाया, उनके खिलाफ लड़ाई है, उनकी पोल खोलने की लड़ाई है, ये हकीकत जनता को बतानी है। नहीं नहीं, हम लोग गठबंधन में हैं और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में अहम भूमिका निभाएगा और हमारा वोटर पूरी तरह से गठबंधन के साथ है और गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से विजय होगा, क्योंकि हम लोगों की रणनीति भी बन रही है और अभी हम लोग और बनाए हैं, और उसी के श्रृंखला में आज यो केशव चार को युवा की जिम्मेदारी दी गई है
और आगरा जनपद में या दोनों सीटों पर जो भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा वो विजयी होगा। राष्ट्रीय लोकदल का छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े तक जोरदार के साथ काम करेगा। सारे जो हमारा जो किसान है सब है पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल के साथ है और पूरा गठबंधन के साथ है। कमी को दूर करने के लिए आगे क्या करें? नहीं कोई कमी नहीं, छोटी मोटी होती है, कोई कमियां नहीं है और हम लोग बैठ के कर रहे हैं सारी चीज एक साथ रहेंगे और प्रत्याशी के साथ पूरी तरह दमखम सबके साथ रहेंगे। आज हमारे छोटे भाई केशव त्याग जी को युवा कार्यालय अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहित प्रताप सिंह ने उनको लेटर दिया है और जिले की युवा की जिम्मेदारी उनको दी है। और हमारे केशव त्याग जी कोई नया चेहरा नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दसों साल से पार्टियों में पार्टी में काम करते आ रहे हैं, इनको जिम्मेदारी दी है। इसलिए मुझे इन केशव त्याग का पूरा आशा है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने में इनका पूरा योगदान है। लोकदल की जी चुनाव के में राष्ट्रीय लोकदल बहुत बड़ी भूमिका में रहेगा, गठबंधन में भूमिका में है, आज भी भूमिका में राष्ट्रीय लोकदल के जिले के प्लस महानगर के सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत से लगे हुए हैं सारे काम पूरी निष्ठा के साथ। हम जो है गठबंधन है हमारा और जो है हमारा निश्चित तौर तरीके से और पूरी सफलता से और बड़ी शालीनता के साथ हम लोग जो है प्रचार में जुट गए हैं, चाहे वो आगरा लोकसभा हो। अभी फतेहपुर सीकरी पर जल्द से जल्द दो दिन में ऊपर से तय किया जाएगा कैंडिडेट और निश्चित तौर से दोनों सीट जरूर निकलेंगी। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी के निर्देश पर और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रोहित प्रताप जी ने जो आगरा जनपद की जिम्मेदारी दी है केशव चार जी को, क्योंकि वो नौजवान भी हैं, ऊर्जावान भी हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, पुराने लोग हैं, तो ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि खरे उतरने का काम करेंगे। देखिए आज तो विशेष तौर पर आगरा जनपद में युवा राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के पद रिक्त चल रहे थे, तो शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर उनके निर्देश पर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई रोहित प्रताप जी ने आगरा आकर के केशव चहार को युवा लोकदल का जिलाध्यक्ष और भंवर पाल वर्मा जी को महानगर का अध्यक्ष आज घोषित किया है। और मेरा मानना है कि आज इस प्रेस वार्ता में पार्टी के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और केवल इतना ही नहीं कि ये दो पदों की जिम्मेदारी के साथ साथ चुनाव पर भी काफ़ी चर्चा हुई है और विश्वास है कि ये दोनों लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और जो लोकसभा चुनाव है इसमें राष्ट्रीय लोकदल की मजबूती को सामने लाएंगे।